नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश भोरा पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम से प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसके तहत ही कांग्रेसियों ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के कर्मचारी ने अध्यक्ष मुकेश भोरा पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके बाद 1 सितंबर को मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक मुकेश भोरा और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी जल्द की जाए। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। बाकी थे इस बात से कि हमारे लालकुआ बड़ा अभी एक घटना हुई है एक महिला के साथ में, और उसमें लिप्त जो है वो भाजपा के नेता है मुकेश भोरा। तो आज हमने यहाँ पर कोतवाली में धरना दिया, प्रदर्शन किया कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। और जिस तरीके से आप देवभूमि की बात देखें, आज हमारी देवभूमि में हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, और हम यही मांग लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और अगर उसको गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसे डॉक्टर मोमिता थी पश्चिम बंगाल में, उसका बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद उसको हत्या कर दी गई, ऐसी नुसरत जहाँ थी रुद्रपुर में नर्स, उसको भी बलात्कार किया, उसके बाद उसका भी हत्या कर दी। ऐसे अंकिता भंडारी का आज तक इन्हीं की सरकार में एक्सल्ट में देखो एक, अभी वहाँ पर उनका फूड मंडल अध्यक्ष उनका उस पर पीड़ित है और वो महिलाओं के बलात्कार करता है। ऐसी चंपावत में आए दिन रोजाना ये कार्रवाई चल रही है, इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इन पर अंकुश लगाएं, कार्रवाई करें और इनको सलाखों के पीछे डालें।